अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम अनबॉक्सिंग रंगरसिया वेडिंग कलेक्शन एंड हमारे एक्चुअली जस्ट टू कोड से इसकी ऑर्डर, तो इसकी प्राइस है 33,900। लेट्स सी हाउ इज़ इट। अच्छा जी, सी ग्रीन इसका कलर है और शिफॉन का फैब्रिक है इसका। शिफॉन और लाइनिंग में थोड़ा फ़र्क है, ये थोड़ा सा पीकॉक ब्लू टाइप का जो है फ्रंट आ रहा है। अलबत्त ये हमने तो खैर इसको स्मॉल साइज़ ही स्टिच करना है, लेकिन उन्होंने काम भी जो है ये स्मॉल साइज़ के हिसाब से ही दिया हुआ है। बाकी साइड्स पे है प्लेन, बट ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्लेन आएगा। थोड़ा बड़ा साइज़ से लेगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्लेन आएगा। और ये जो काम है ये सारा बीड्स का और सारा हैंड बेलिस्ट का वेट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज शिफॉन है और शिफॉन के ऊपर काफ़ी वेट आ गया। तो इसका फ्रंट ओपन है, उसके बाद इसके बॉर्डर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बट काम जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त हुआ हुआ है। अच्छा, उसके बाद दामन का एक बॉर्डर ये है, और इसके जो है इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बिकॉज़ ये सारे विड्थ में लग रहे हैं इस वाले काम के बाद। जहाँ काम एंड हो रहा है उसके बाद ये वाला बॉर्डर लगेगा, उसके बाद एक और बॉर्डर है ये वाला, और इसके बीच में जो जगह है उस जगह पर इन्होंने ये फ्लावर्स दिए हुए। तो इसमें एक्चुअली एक टसल भी है, और मुझे लग रहा है कि सेपरेट जो है वो फ्लावर हैं जो इस तरीके से लगेंगे। आई डोंट नो, ये मुझे देखने से लग रहा है कि ये एक एक सिंगल है, और टसल हाँ ये सारा जो है वो टांका जाएगा इस वाले गैप के बीच में, और टसल जो है वो यकीनन बैक का होगा। अच्छा, दामन के मिडल में जो है ना ये वाली लेस लग के इसके ऊपर देन 3D फ्लावर्स आएंगे, जो ये वाला बताया था मैंने इस जगह पे जो गैप आना है। उसके बाद बैक जो है ये प्लेन शिफॉन है, और मेरा एक्चुअली इसकी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इतनी लंबी लिखी हुई है कि वो पढ़ने में ही समझ नहीं आ रहा कि ये वहाँ तक बैक तक पहुँचे। सो एक बॉर्डर है जिस तरह के फ्रंट का है, तो यही जो है एक बैक का होना चाहिए। जैसे फ्रंट का है बिल्कुल वैसे बैक का है, ये इसके जस्ट एज पर आएगा, उसके अलावा कोई बॉर्डर जो है मुझे लग नहीं रहा। अब स्लीव्स का कपड़ा या तो इसी में होगा, बिकॉज स्लीव्स का भी जिक्र नहीं लिखा हुआ, और ना ही जो है वो सेपरेट लिखा हुआ के अलावा। तो टू बी ऑनेस्ट आई कांट रीड अभी वीडियो बनाते हुए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो टाइम लगने वाला है। बट स्लीव्स के पैचेस दिए हुए हैं, और हमने इनको स्टिच भी करना है, तो इंशाल्लाह विल शेयर स्टिच सून। अच्छा, स्लीव्स का एक ये पैच है जो कि बड़ा खूबसूरत सा है, और इसको जो है अप्लिक करना है। फिर उसके एज पर एक और पैच है ये वाला, तो इससे जो है वो अच्छी बेल स्लीव हो जाएंगी, बट देखना ये होगा कि ये सेटिंग आती है कि नहीं। बहरहाल तो ये स्लीव्स के दो पैचेस हैं, और स्लीव्स का कपड़ा आई एम श्योर इसी में से ही निकालना होगा, बिकॉज सेपरेट नहीं लिखा हुआ। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ है कि डाइड बैक जो है ऑन बैक और स्लीव्स। अच्छा ओके, सॉरी, एक ये वाला बॉर्डर जिस तरह से फ्रंट का है हैंड एम्बेलिश्ड, वैसा ही बैक का भी बॉर्डर है। तो बैक के यानी कि बैक वैसे प्लेन है, और ये वाला बॉर्डर बिल्कुल एज पर आएगा, एंड देन ये एक और बॉर्डर जिस तरह फ्रंट पे दो बॉर्डर्स आ रहे हैं लास्ट के, ये वाला और ये वाला। इसके मिडल में जो 3D फ्लावर्स हैं वो नहीं है, बट ये कि ये वाला इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद इसका जो है कोरियन रॉसिल का ट्राउज़र है, और ये अच्छा ज़बरदस्त डाई हुआ है। ये नॉर्मली हम जब डाई करवाते हैं, फैक्ट्री डाइड होता है तो अच्छा होता है, वैसे हम खुद करवाते हैं तो इतना अच्छा जो है कलर आता नहीं। और फिर है इसका नेट का दुपट्टा, इसकी लॉन्ग साइड पर जो है वो बॉर्डर बना हुआ है, इसको होगा कटवर्क और नीचे पलटा लग गया, खासा इसमें सिलाई का काम है। और फिर इसके हैं कोई बंचेस, ये इसके चार बंचेस हैं जो कि इसके कॉर्नर्स में एप्लिक होंगे, और उसमें मिडल में जो है ना कोई काम नहीं है इसका। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। लेकिन ड्रेस जो है बहुत खूबसूरत है, एंड फुली हैंड एम्बेलिश्ड है, कलर भी बहुत ज़बरदस्त है, तो मुझे तो अच्छा लगा। बाकी आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, एंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।